गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जस्ट टेक आउट योर डिस्कवरिंग इंग्लिश बुक बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फ्रॉम डिस्कवरिंग बुक ग्रेड वन. गॉट इट? ओपन योर बुक चैप्टर 11. गॉट इट स्टूडेंट्स? पेज नंबर 133 एंड द नेम ऑफ योर चैप्टर बेबी बैट एंड द फैट कैट मीन्स बेबी बैट छोटी चमगादड़ और फैट. फैट मीन्स व्हाट इज फैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? फैट मीन्स मोटा. फैट कैट मीन्स मोटी बिल्ली. नेक्स्ट कम ऑन द पेज नंबर 135. पेज नंबर 135 वी विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू वर्ड्स. गॉट इट? एंड द फर्स्ट वर्ड इज क्यूट. न्यू वर्ड्स का फर्स्ट वर्ड क्या है स्टूडेंट्स? क्यूट. आपको पता है ना, हम हर एक चैप्टर के पहले न्यू वर्ड्स रीड करते हैं, देन उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट इज क्यूट मीन्स प्यारा. बुशी झाड़ी जंगली. वैसे तो बुश मीन्स क्या होता है? झाड़ियाँ होती है, लेकिन यहाँ पर आप इसका मीन्स क्या लेंगे? जंगली से. नेक्स्ट टायर्ड मीन्स क्या होता है? थक जाना. विंग्स आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसके पंख. एंड नेक्स्ट पडल मीन्स होता है एक छोटा सा प्लेस जहां पर क्या हो, पानी हो, लाइक पूल पॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड पडल. गॉट इट स्टूडेंट्स? एंड नाउ कम ऑन द पेज नंबर 136. लेट्स नो अबाउट द चैप्टर. पेज नंबर 136 पर हम चैप्टर के बारे में जानेंगे कि चैप्टर में क्या हुआ है. गॉट इट स्टूडेंट्स? यस. बेबी बैट एंड द फैट कैट चैप्टर का नेम है, रीड कर चुके हैं हम पहले ही. आइए देखते हैं. नट एंड बैन वेंट टू द पार्क. नट एंड बैन कहाँ गए? एक पार्क में गए. लोग पिक्चर्स पिक्चर में देख रहे हैं, किसका पिक्चर है? पार्क का. यस. नेक्स्ट इज दे वर फ्रेंड्स. दोनों क्या थे? फ्रेंड्स थे. दे वॉर हैट्स. दोनों ने क्या पहना हुआ था? हैट्स मीन्स टोपियां पहनी हुई थी. दे टुक देयर ओन मैट. उन्होंने क्या निकाला? अपनी मैट ली. मैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? चटाई. दे प्लेड बॉल. वो किससे खेले? बॉल से खेले मीन्स गेंद से. द सन वॉज हॉट. सूरज कैसा था? बहुत गर्म था. सून जल्दी ही. दे वर टायर्ड. वे क्या हो गए? थक गए. दे सैट अंडर अ ट्री. फिर वो कहाँ बैठ गए? पेड़ के नीचे. आप देख रहे हैं पिक्चर में पेड़ के नीचे बैठे हुए ना, नट एंड बैन. यस. नेक्स्ट नट हैड अ कैन ऑफ जूस. नट के पास क्या था? जूस का कैन था. एंड बैन हैड अ बर्न. और बैन के पास क्या था? बर्न. एक के पास जूस और एक के पास बन था, खाने के और पीने की चीजें भी दोनों के पास में थी. नेक्स्ट देखिए, हैव अ सिप बैन. नट सैड. नट ने क्या कहा कि जूस के लिए, उसको पीने के लिए उसे पूछा. किसने? नट ने. नेक्स्ट पैराग्राफ. नट सा अ रेड हैन. अब नट ने क्या देखा? एक रेड हैन देखी. आप पिक्चर में देख रहे हैं रेड हैन, वो उसने देखा. ही गैव इट वॉटर इन अ मग. उसने क्या दिया उसे? मग. एक मग में पानी दिया. किसे? रेड हैन को. अ फॉक्स लुक्ड आउट ऑफ इट्स डेन. एक लोमड़ी. लुक मीन्स देखना. कहाँ से देख रही थी वो? अपने डैन से मीन्स गुफा से. आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये डैन है और ये फॉक्स है, वो यहाँ से इन्हें देख रही है. नेक्स्ट इट हैड अ बुशी टैल. हमने रीड किया ना अभी बुशी न्यू वर्ड्स में. यस. उसकी ये टैल कैसी थी? बुशी जंगली थी. नेक्स्ट बैन गैव इट अ बिट ऑफ द बन. अब उसने क्या दिया उसे? बन का एक टुकड़ा दिया. किसे? फॉक्स को भी दिया. नेक्स्ट ऑन अ ट्री लिफ्ट अ बैट. बैट मीन्स चमगादड़. कहाँ पर बैठी हुई थी वो? कहाँ रहती थी? पेड़ के ऊपर. आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये बेबी बैट है और ये मदर बैट है. गॉट इट? नेक्स्ट
बैन सैड, बैन ने कहा आई सी अ बेबी बैट। बैन ने क्या बोला कि मैंने एक बेबी बैट देखा, मीन्स एक छोटी चमगादड़ मैंने देखी। बेबी बैट लुक्ड एट देम, और बेबी बैट भी क्या कर रही थी, उन्हें देख रही थी। इट वॉज क्यूट, वो कैसी थी, बहुत ही प्यारी थी। कैन इट बी अ पैट, आस्क्ड नेट। नेट ने क्या पूछा कि क्या इसे हम पाल सकते हैं, एक पालतू हो सकती है ये। पेज नंबर 136 वी हैव कंप्लीट दिस पेज नंबर एंड कम ऑन द पेज नंबर 137। द नेक्स्ट डे, अगले दिन बेन सा बेबी बैट, अगले दिन क्या देखा उसने, बेबी बैट को देखा। बेबी बैट हैड फॉलन फ्रॉम द ट्री, उसने क्या देखा कि जो बेबी बैट थी वो ट्री से गिर गई थी। मम्मा बैट लुक्ड सैड, अब जब बेबी बैट नीचे गिर गई है तो उसकी मम्मा को तो दुख होगा ना, तो वो बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। नेट लुक्ड एट दैट, नेट ने उसकी तरफ देखा। सैड बैन, फिर बैन से कहा इट्स अ बेबी बैट, क्या बोला उसने कि ये तो बेबी बैट है। बेबी बैट हैड फॉलन इन अ पडल, मीन्स मैंने आपको बताया था न्यू वर्ड्स में, पडल आप एक लाइक छोटा सा प्लेस जहाँ पर पानी होता है, जैसे आप पूल ले सकते हैं, पॉन्ड ले सकते हैं, जहाँ थोड़ा पानी, उसे हम पोखर, पडल मीन्स पोखर, उन्हीं को ही कहा जाता है। तो वो उसमें गिर गई थी। पुअर बेबी बैट वॉज वैट, अब जो बेबी थी, बेबी बैट, वो गीली हो चुकी थी। वैट मीन्स गीला होना। लेट अस फैन इट विद अ लीफ, अब उन दोनों ने क्या किया, पत्ती से उसे हवा की, ठीक है, किसको, बेबी बैट को। नेट सैड, नेट ने कहा वी नीड टू ड्राई इट्स विंग, कि हम कोशिश करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसके पंखों को सुखाना चाहिए। नेक्स्ट इज सडनली, मींस अचानक। बेन सा अ फैट कैट, बेन ने क्या देखा, एक मोटी सी बिल्ली देखी। फैट मींस मोटी। द कैट वॉज लुकिंग एट बेबी बैट, वो क्या कर रही थी, बेबी बैट की तरफ देख रही थी। कौन, कैट। बैन शाउटेड मीन्स चिल्लाना, बैन चिल्लाया। नेट सेव द बैट फ्रॉम द कैट, कि बिल्ली से किसे बचाओ, बेबी बैट को बचाओ, किसने कहा, बैन ने। नेक्स्ट इज दे सा अ मैन गेटिंग ऑफ अ वैन, उन्होंने क्या देखा, वैन से एक आदमी को देखा। बैन सैड, बैन ने कहा रन, दौड़ा वो कहते हुए। नेट आस्क हिम टू हेल्प अस सेव बेबी बैट, उसने क्या कहा कि दौड़ो और उससे पूछो जाकर के, किससे, जो वैन में मैन था, कि उससे पूछो कि क्या वो बेबी बैट को बचाने में हमारी हेल्प करेंगे। यस, देखिए द मैन टुक अ बिन, मैन ने क्या दिया, एक बिन दिया, ठीक है, एक बॉक्स टाइप में था, एक डिब्बा दिया उसे। ही पुट बेबी बैट इन इट, उन्होंने क्या किया, बेबी बैट को उसमें रख दिया, किसमें, बिन में। ही पुट बेबी बैट इन द बिन, अब वो कहाँ रख दिया उसे, बिन में रख दिया बेबी बैट को। नेक्स्ट देखिए, देन फिर ही पुट बेबी बैट बैक ऑन द ट्री, और उसके बाद बेबी बैट को कहाँ कर दिया उन्होंने, वापस पेड़ के ऊपर। बेबी बैट वॉज सेफ, अब बेबी बैट जो थी वो सुरक्षित थी, सेफ मीन्स सुरक्षित। मम्मा बैट वॉज वेरी हैप्पी, और मम्मा बैट जो थी, यानी बेबी बैट की मम्मा, वो बहुत ही खुश हो गई थी। Got it, students? Yes. And now it's time to practice zone 1. Students, जैसा कि हमने ये छोटी सी स्टोरी को रीड किया, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, अब हम देखेंगे प्रैक्टिस जोन 1 में, हम कंप्लीट करेंगे इसे, क्योंकि हमने अच्छे से रीड किया है। देखते हैं फर्स्ट क्या करना है हमें। से द फॉलोइंग लाइन्स इन द सेम वे दैट बैन एंड नेट मस्ट हैव सेड देम इन द स्टोरी, मीन्स क्या है, हमें बताना है कि ये लाइन्स किसने बोली है इस चैप्टर में। फर्स्ट इज आई सी अ बेबी बैट, कैन इट बी अ पैट, याद है स्टूडेंट्स, किसने कहा था ये, यस, नेट ने बोला था कि क्या ये एक बेबी पैट जो है, ये एक पैट हम इसे बना सकते हैं, तो ये नेट ने कहा था। नेक्स्ट, लेट अस फैन इट विद अ लीफ, पत्ते से हवा करने को किसने बोला था, नेट ने, मेंशन कर लेंगे आप। नेक्स्ट, नेट सेव द बैट फ्रॉम द कैट, नेट से किसने कहा था उसे बचाने के लिए, कैट से, बैन ने। नेक्स्ट, रन, नेट आस्क हिम टू हेल्प अस सेव बेबी बैट, ये लाइन भी बैन ने बोली थी। नेक्स्ट, अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड द फॉलोइंग, यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, लाइंस को रीड करेंगे और हमें बताना है कि उन लाइंस को किसने स्पीकअप, किसने बोला था। हैव अ सिप बैन,
याद आया, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में इसे रीड किया था, तो किसने बोला था? नेट ने। आप यहाँ लिख लेंगे NET, नेट, ए साउंड का है, नेट। नेक्स्ट, कैन इट बी अ पैट, ये भी नेट ने, अभी हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही किया है। गॉट इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम आ जाएंगे पेज नंबर 138 आगे स्टूडेंट्स। यस, सी पर आकर हम देखेंगे लेट अस फैन इट विद अ लीफ, ये बात किसने बोली थी कि चलो इसे लीफ से, पत्ते से क्या करें, हवा करें, ताकि उसके विंग्स जो हैं वो ड्राई हो जाए, तो आप यहाँ लिखेंगे नेट। एंड लास्ट, नेट सेव द बैट फ्रॉम द कैट, ये लाइन किसने बोली थी नेट से? बैन ने, BEN, बैन। कंप्लीट इट, ओके। लुक हियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। नेट एंड वेंट टू द पार्क, कौन कौन गए थे? नेट एंड बैन दोनों ही गए थे ना, यस। नेक्स्ट, ममा बैट लिव्ड ऑन अ ट्री, ममा बैट कहाँ रहती थी? ट्री पर। नेक्स्ट, द मैन पुट बेबी बैट इन अ, किस में रखा था मैन ने बेबी बैट को? बिन में, BIN, बिन। एंड द लास्ट इज, ममा बैट लुक्ड सैड, जब बेबी बैट नीचे गिर गई थी तो ममा सैड हो गई थी ना, ममा बैट, यस, तो आप यहाँ लिखेंगे सैड, SAD, सैड। नेक्स्ट, पेज नंबर 139, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट इज, इन द पार्क द सन वॉज, पार्क में सन कैसा था? हॉट, कॉल्ड, कूल, यस, फर्स्ट इज करेक्ट, हॉट, बहुत ही गर्म था। द कैट वॉज, कैट कैसी थी? थिन, फैट, बिग, फैट, कैट कैसी थी? फैट। यस स्टूडेंट्स, आप यहाँ ध्यान देंगे, आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देख रहे हैं सी पर भी वही है, द कैट वॉज, द कैट वॉज, तो आप इसमें से क्रॉस कर दें क्योंकि हमने ऊपर इसे कर लिया है। गॉट इट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने स्टोरी को अच्छे से रीड किया है तो हमें क्वेश्चन आंसर्स ईजिली आ जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर डिड बैन एंड नेट सिट इन द पार्क, कौन बैट, बैन एंड नेट कहाँ बैठे थे? आप लिखेंगे बैन एंड नेट सिट अंडर द ट्री, कहाँ बैठे थे वो? अंडर द ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द बैट्स नेस्ट, बैट का जो नेस्ट था उसका घोंसला वो कहाँ था स्टूडेंट्स? यस, ऑन द ट्री, पेड़ पर था, द बैट्स नेस्ट वॉज ऑन द ट्री, सिंपल। नेक्स्ट, हु डिड नेट एंड बैन सेव बेबी बैट फ्रॉम, बेबी बैट को किससे बचाया था उन्होंने? तो आप लिखेंगे नेट एंड बैन सेव्ड बैट फ्रॉम फैट कैट, मोटी बिल्ली से बचाया था ना, तो फ्रॉम फैट कैट। यस स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 में AB गॉट इट। नेक्स्ट 6, 5 AB एंड 6 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपको नोटबुक में करना है एज अ SW, जैसा कि हम करते हुए आ रहे हैं, गॉट इट। एंड कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 7, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड अंडरलाइन ऑल द 8 वर्ड्स, राइट देम इन द लाइंस बिलो। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है कि स्टोरी में जितने भी हमने 8 वर्ड्स पढ़े हैं, मीन्स जिसमें साउंड में हमें 8 वर्ड सुनाई में आया है, उन्हें हमें यहाँ लिख देना है। इट्स वेरी सिंपल, हमने उसमें रीड किया स्टोरी में कैट, फैट, बैट, नेट, हैट, मैट, रीड किया है ना, मीन्स 8 साउंड हमें सुनाई में आया है, तो आप इजीली लिख देंगे, जैसे CAT कैट, FAT फैट, BAT बैट, NAT नेट, हैट, एंड लास्ट इज मैट, हो गए 8 वर्ड्स, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड अ वर्ड इन द स्टोरी दैट राइम्स विद डैन, हमें डैन का राइम वर्ड बताना है, मीन्स डैन से मिलता हुआ वर्ड बताना है, तो डैन से वर्ड क्या मिल रहा है हमारा? बैन, इट इज कॉल्ड राइम्स, गॉट इट स्टूडेंट्स, बैन। वी हैव कंप्लीट दिस पेज नंबर 139 एंड कम ऑन द पेज नंबर 140, ओके, यस। एंड क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड अ वर्ड इन द स्टोरी दैट राइम्स विद जिप, हमें जिप का भी क्या बताना है? राइम बताना है, अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो आप जिप का राइम लिखेंगे सिप, गॉट इट, SIP, सिप।
जितना स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी समझाया और जो भी मैंने आपको कंप्लीट कराया है अभी प्रैक्टिस जोन वन में, आप इसे अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेंगे और आप जो देख रहे हैं कंसेप्ट कनेक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? थैंक यू, बाय बाय क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जस्ट टेक आउट योर डिस्कवरिंग इंग्लिश बुक ग्रेड वन एंड ओपन योर बुक। लुक हियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 वी हैव रीड दिस चैप्टर इन लास्ट वीडियो। यस, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड कर लिया था एंड नाउ इट्स टाइम टू कंसेप्ट कनेक्शन। सो टेक आउट योर पेज नंबर 140। हम उस चैप्टर को लास्ट वीडियो में रीड कर चुके हैं एंड अब हमारी बारी है कंसेप्ट कनेक्शन करने की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट कनेक्शन में नेमिंग वर्ड्स। डू यू नो स्टूडेंट्स नेमिंग वर्ड्स? यस, मैं आपको बताऊंगी नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, हम पहले भी इन्हें पढ़ चुके हैं बट अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? लुक, हाय माय नेम इज राहुल एंड दिस इज माय डॉग। वेयर इज राहुल? यस, ही इज राहुल एंड ये क्या बोल रहा है आपसे? ये बोल रहा है मेरा नाम राहुल है एंड ये मेरा डॉग है। स्टूडेंट्स, जो भी ये रेड कलर से वर्ड्स आप देख रहे हैं इसके ऊपर आपको मोर अटेंशन करना है, मीन्स आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। गॉट इट? यस। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू पार्क फॉर अ वॉक। क्या बोल रहा है ये कि हम दोनों, मीन्स राहुल एंड डॉग, इसका डॉग, दोनों कहाँ गए? पार्क में गए। वी विल प्ले बॉल इन द पार्क। उन्होंने बॉल से, दोनों क्या करेंगे, वो खेलेंगे कहाँ पर? पार्क में। नेक्स्ट, ऑल द वर्ड्स इन रेड आर नेमिंग वर्ड्स। आपने जो वर्ड्स देखे हैं राहुल, डॉग, बॉल एंड पार्क, दीज आर नेमिंग वर्ड्स। लेट अस सी व्हाट दीज वर्ड्स नेम। आइए हम देखते हैं कि इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट इज नेम ऑफ अ पर्सन, राहुल। पर्सन यहाँ पर किसी का नेम है, किसका नेम है? राहुल का। राहुल क्या है? एक बॉय है, एक पर्सन में आएगा। गॉट इट? नेम ऑफ अ पर्सन राहुल। नेम ऑफ अ प्लेस पार्क। पार्क कहाँ है? एक प्लेस है ना, वो एक जगह है। नेक्स्ट, नेम ऑफ एन एनिमल, डॉग क्या है? डॉग इज अ एनिमल। नेम ऑफ अ थिंग बॉल, किससे खेलते हैं वो? बॉल से। तो बॉल क्या है? बॉल इज अ थिंग। नेक्स्ट, सो इसलिए राहुल, डॉग, पार्क एंड बॉल आर नेमिंग वर्ड्स। पता चल गया ना हमें? हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा था? नेमिंग वर्ड्स। तब हमें समझ में नहीं आ रहा था व्हाट इज नेमिंग वर्ड्स, कि नेमिंग वर्ड्स क्या है, बट जब हमने इस चैप्टर इस पैराग्राफ को रीड किया तो हमें स्टूडेंट समझ में आया कि हम नेमिंग वर्ड्स किसे कह सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, नेमिंग वर्ड्स आप किसी का नेम हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ डॉग ही हो, आप यहाँ कैट ले सकते हो, पैरट ले सकते हो, है ना, किसी भी एनिमल का नेम ले सकते हो, एनिमल हो सकता है, कोई चीज़ मीन्स बॉल, बुक, टेबल, चेयर, व्हाटएवर, है ना, एनिमल, ये सारी किस में आएगी? थिंग्स में। एंड पार्क किस में आएगा? आपका प्लेस में। गॉट इट स्टूडेंट्स? दीज वर्ड्स आर नेमिंग वर्ड्स। ये वर्ड्स क्या हैं? नेमिंग वर्ड्स, इन्हीं को ही हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। ओके, इसे हम और अच्छे से समझने के लिए कि हमें ये समझ में आया या नहीं, हम इसे करेंगे पेज नंबर 141 पर। किसमें करेंगे? प्रैक्टिस जोन टू में। यहाँ हमें पता चल जाएगा कि हमें नेमिंग वर्ड्स समझ में आया या नहीं। लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड सर्कल ऑल द एनिमल्स इन द बॉक्सेस। यस स्टूडेंट्स, आप ये बॉक्स देख रहे हैं, इस बॉक्स में उन्होंने पूछा है कि जहाँ जहाँ भी आपको एनिमल्स नज़र आते हैं वहाँ आपको सर्किल कर देना है। आइए देखते हैं, हम सर्च करें। यस, फर्स्ट इज डॉग इज अ एनिमल, सर्किल कर दिया। नेक्स्ट, डियर इज अ एनिमल, एलिफेंट, लायन, वाओ हमें तो बहुत इजीली मिल रहे हैं ना। यस, नेक्स्ट देखिए, शेप, फॉक्स, काउ, पिग, कैट। यस, लुक स्टूडेंट्स, देखिए हमने कहीं कुछ मिस तो नहीं किया ना। आइए एक बार और सर्च कर लेते हैं, सिर्फ हमें किस पे करना था? ऑल द एनिमल्स, जितने भी आप इस बॉक्सेस में एनिमल्स देख रहे हैं उन्हें हमें सर्किल करना था। आई जस्ट स्टॉप कि हमने सभी कर लिया, चेकआउट कर लिया हमने अच्छे से। ओके, एंड नाउ
कम ऑन द क्वेश्चन नंबर टू. यहाँ देखते हैं हमें क्या करना है. आइडेंटिफाई एंड सर्किल ऑल द पीपल इन द बॉक्स. हमें इसमें तो हमने एनिमल्स को किया था, यहाँ किसको करेंगे हम. ऑल पीपल्स, जितने भी इस पिक्चर्स में आपको पीपल नजर आ रहे हैं उस पर हम सर्किल कर देंगे. वेरी सिंपल. फर्स्ट इज, सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स. गॉट इट. फर्स्ट हमें क्या मिला, एनिमल. सेकेंड, पीपल, जिसमें आप किसी का भी नेम हो सकता है. एंड अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 142. यहाँ देखते हैं किस पर सर्किल करना है हमें. थर्ड, यहाँ प्लेस होंगे स्टूडेंट्स. आइडेंटिफाई एंड सर्किल ऑल द फेमस बिल्डिंग्स इन द बॉक्स. टेल योर टीचर देयर नेम्स. आपको क्या करना है, इनके नेम्स मैं आपको बताती हूँ. इसमें जितने भी आप फेमस बिल्डिंग्स इसमें हैं उसके नेम्स मैं आपको बताऊँगी. ओके, यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये आपको एट होम आप करेंगे, क्योंकि दो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कर दिए. जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड फोर्ट नज़र आ रहा है आपको, है ना, ताजमहल भी नज़र आ रहा है, देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स आप. यहाँ मैंने आपको कुछ बिल्डिंग्स के नेम तो आइडेंटिफाई कर दिए हैं, लेकिन इसमें दो क्वेश्चंस आपको करने हैं. आप पहले से सर्किल करेंगे, लेकिन अब मैं नहीं बताऊँगी, अब आप खुद करेंगे. गॉट इट. सर्किल करेंगे, देन उनके नेम्स आपको कंप्लीट यहाँ पर राइट डाउन करना है. गॉट इट. एंड क्वेश्चन नंबर फोर भी आप देख रहे हैं, ये भी आप सेल्फ करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड सर्किल ऑल द थिंग्स इन द बॉक्स. इसमें हमें एनिमल्स को नहीं, पीपल्स को नहीं, ओनली और जो भी आपकी थिंग्स आप देख रहे हैं, बिल्डिंग्स भी नहीं आएंगी, क्योंकि नेमिंग वर्ड्स में एनिमल नेम, पर्सन नेम, प्लेस नेम, थिंग्स नेम. गॉट इट. तो वो हमने तीन चीज़ें कंप्लीट कर ली, और यहाँ पर आकर के आपको थिंग्स पर जो आप चीज़ें देख रहे हैं, जैसे यहाँ वॉइस देखिए आप, है ना, यहाँ कब देखिए, इस पर आपको सर्किल करना है. बट अब मैं नहीं बताऊँगी, आप इसे सेल्फ करेंगे. गॉट इट स्टूडेंट्स. वन पेज नंबर 142 पर. एंड नाउ इट्स टाइम टू कॉपी वर्क. सो जस्ट टेक आउट योर नोटबुक एंड वी विल डू न्यू वर्ड्स ऑफ चैप्टर 11. गॉट इट स्टूडेंट्स. चैप्टर 11 के न्यू वर्ड्स भी हम अभी यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, जहां पर आप मेंशन करेंगे ब्लैंक पेज पर चैप्टर 11. चैप्टर नेम, अ बेबी बैट एंड द फैट कैट. गॉट इट. एंड द फर्स्ट वर्ड इज क्यूट. सेकंड इज बुशी. टायर्ड. विंग्स. एंड द लास्ट वन इज पडल. इट्स वेरी सिंपल. आपको इसे कंप्लीट करना है. एंड मैंने आपको डिस्कवरिंग में जब चैप्टर रीड कराया था तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको बुक में कंप्लीट कराए हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में, आपकी इंग्लिश वाली नोटबुक में ही कंप्लीट करेंगे. गॉट इट स्टूडेंट्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.